फग्गुन नाम के भिक्कू बहुत ज्यादा बीमार हो गए, कमजोर हो गए, दुखी हो गए, बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो आनंद ने भगवान बुद्ध को, तथागत बुद्ध को, फग्गुन के बारे में बताया और भगवान बुद्ध से, तथागत से निवेदन किया कि वो फग्गुन के पास चलें। भगवान बुद्ध ने मौन रहकर इसकी स्वीकृति दी और वो फग्गुन भिक्कु के पास पहुंचे। फग्गुन भिक्कु से उन्होंने पूछा, फग्गुन ठीक तो हो? दुखद वेदनाएं हट तो नहीं है? व्याधि बीमारी हट तो रही है? फग्गुन ने जवाब दिया, भंते नहीं। जैसे दो बलवान आदमी किसी दुबल आदमी को, दुर्बल आदमी को फाड़कर अंगारों के गड्ढे में जलाएं, भंते उसी प्रकार की जलन की वेदनाएं प्रतीत हो रही हैं, घटती मालूम नहीं हो रही हैं, बल्कि और बढ़ रही हैं। तब भगवान बुद्ध ने फग्गुन को धम्म की बातें बताई, धम्म को सिखाया, धम्म की देशना की और चले गए। धम्म की देशना से वो अच्छी तरह से उत्तेजित, उद्गिन हुए, धम्म में प्रभावित हुए। थोड़ी देर बाद फग्गुन भिक्कु मर गए। आनंद ने देखा कि फग्गुन भिक्कु के चेहरे पर अब चमक है, चेहरे पर शांति है। पहले जो बीमारी में उनके चेहरे पर दुख की वेदनाएं थीं, मृत्यु के समय अब सुख की वेदनाएं दिखाई दे रही हैं। चेहरा बिल्कुल प्रसन्न है और शांत है। आनंद ने इसका कारण भगवान बुद्ध से पूछा। उन्होंने कहा कि भंते, तथागत, फग्गुन भिक्कु के चेहरे की जो चमक और शांति और जो प्रसन्नता थी, उसका क्या कारण है? भगवान बुद्ध ने उनको जवाब दिया। यहां पहले कुछ शब्दों के मतलब समझ लें। वेदनाएं क्या होती हैं? कोई व्यक्ति अगर किसी से हाथ मिलाता है और जब हाथ को वो एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो एक दूसरे की फीलिंग को महसूस करते हैं। मगर उनमें से यदि एक व्यक्ति थोड़ा दूसरे का व्यक्ति का हाथ जोर से दबाए, तो उसके दबाने की एक लिमिट होती है। थोड़ी देर तक तो उसको अच्छा लगता है, मगर अगर ज़्यादा जोर से दबाता रहे तो फिर वो जो अच्छा लगना है वो खराब में बदल जाता है और हाथ ऐसा लगता है जैसे टूट जाएगा। यानी कि दबाने की प्रक्रिया, दबाने का प्रोसेस, दबाने का जो पूरा कार्यक्रम है वही है, मगर उसकी जो तीव्रता है वो आप कितनी झेल सकते हैं, कितनी टॉलरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर निर्धारित है कि कब आपको अच्छा लगते लगते हाथ दबाना खराब लगना लगा। ठीक ऐसे ही शरीर की वेदनाएं होती हैं। शरीर में हर समय वेदनाएं चलती रहती हैं, सेंसेस चलते रहते हैं, फीलिंग चलती रहती हैं। जो सेंसेशन होते हैं, यानी वेदनाओं को सेंसेशन बोलते हैं, जो सेंसेशन होते हैं वो ना खराब होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, आपके शरीर में लगातार चलते रहते हैं। जब तक आप उनको टॉलरेट करते रहते हैं वो सुखद होती हैं, और जब आप उनको टॉयलेट करना बंद कर देते हैं तो वो दुखद हो जाते हैं। वो सारी जो सेंसेशन और वेदनाएं होती हैं, जब कोई व्यक्ति मरता है उस समय उसका शरीर बहुत कमज़ोर होता है, और जो शरीर में उसके में हलचल होती है, जो उसके केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो उसके ऑर्गन्स में रिएक्शंस होती हैं, जो उसकी सेल्स डैमेज होती हैं, टूटती हैं, उनसे जो फीलिंग्स निकल के आती है वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि सारे ऑर्गन लगभग खराब स्थिति में होते हैं, चल नहीं पाते। जैसे पुरानी कार, पुराना स्कूटर चलते समय बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, खटक खटक करता है, ठीक नहीं चलता है और अंत बंद हो जाता है, ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी बंद हो जाता है। सभी स्थिति में ऐसा होता है, मगर जो विपस्सना करने वाले लोग होते हैं उनकी टूट फूट और उनकी सेंसेशन, उनकी वेदनाएँ मरते समय भी सुखद ही रहती हैं, दुखद नहीं आती। ये वेदना का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, अनुभव विपस्सना करने वाले लोग बताते हैं कि वो जब
मरते हैं तो बड़े सुख और शांति के साथ में मरते हैं। यहाँ भिक्खु को कोई पुरानी वेदनाएं ऐसी रही हैं जो उसके भिक्खु जीवन में भी उसको शांत नहीं कर पाई, मगर जब भगवान बुद्ध ने देशना दी और देशना देने के बाद धम्म उनको सिखाया तो धम्म सीखने के समय उनको वो टेक्निक आ गई जिससे कि वेदनाएं दुख नहीं देती, सुख में बदल जाती हैं। यही धम्म गाथा, यही धम्म है कि दुख को सुख में बदलना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद, जब कोई व्यक्ति सही समय पर, उचित समय पर अगर धम्म का श्रवण कर ले, धम्म को सीख ले, धम्म को सुन ले और उसको पालन कर ले, शरीर में उतार ले, उसकी प्रैक्टिस कर ले, तो उसके 6 सुखद परिणाम होते हैं। 6 बातें उसे लाभकारी होती हैं अगर कोई व्यक्ति को उचित समय पर धम्म की देशना मिल जाए। बहुत सारे केसों में ऐसा हुआ है जब मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ कोई व्यक्ति है और उसको धम्म की देशना मिली है और वो वहीं पर अर्हत हो गया या सुखी हो गया, जीवन से मुक्त हो गया। पहला कहते हैं, जब उचित समय पर कोई तथागत, कोई बुद्ध अगर अपना दर्शन देता है, उस समय तथागत के दर्शन लाभ से उसको पहला शुभ परिणाम होता है, क्योंकि जो चित्त होता है, मन होता है, वह उस समय मुक्त नहीं होता अधोभागीय संयोजनों से। ये अधोभागीय संयोजन क्या होते हैं जिनसे मुक्त होना है? अधो माने होता है नीचे की तरफ, और भागीय माने होता है भाग, और संयोजन माने होता है बंधन। यानी जो बंधन, जो बॉन्ड शरीर को नीचे की तरफ लेके जाते हैं, जो भाग नीचे की तरफ लेके जाते हैं, जो हमेशा पाप के रास्ते पर लेके जाते हैं, यानी 6 बंधन पाप के रास्ते पर नीचे लेके जाते हैं। कौन से हैं वो? एक मन का बंधन है, एक दृश्य का आँखों का है, एक स्किन का टच का है, एक कान का है, एक जो हम चखते हैं जीव का है, और एक जो हम सूंघते हैं वो नाक का है। यानी कि हमें हमेशा ही बहुत अच्छी स्मेल चाहिए, बहुत अच्छा सुनना चाहिए, बहुत अच्छा देखना चाहिए, बहुत अच्छा हमें स्किन का टच चाहिए, बहुत अच्छा हमें खाना चाहिए, और हमारा मन हमेशा बहुत अच्छा रहना चाहिए। ये 6 जो बंधन हैं ये हमें नीचे की तरफ लेके जाते हैं, जिनमें हमें चाहिए चाहिए चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए, उसको राग होता है, और अगर नहीं मिलता इनको तो नहीं मिलता है तो फिर दुख होता है, देश होता है। तो इनसे मुक्त हो जाता है अगर सही समय पर कोई व्यक्ति जिसका चित्त यानी मन मुक्त नहीं है और उसको तथागत का यानी बुद्ध का दर्शन मिल जाए। दर्शन का मतलब है उनका धम्म का लाभ देखने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए, और वो उसको अपना लें। क्योंकि तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो शुरू में यानी कि जितना सुनेंगे उतना लाभकारी है, बीच से सुनेंगे करेंगे तब भी लाभकारी है, और अगर बुढ़ापे में उसे करेंगे तो भी लाभकारी है। यानी कोई बचपन में करता है, कोई अगर उसे जवानी में करता है, कोई उसे अंतिम समय में करता है, कभी भी उसे करे वो हमेशा लाभकारी है, क्योंकि वो पालन करने योग्य है और अच्छा है, और पूरी तरह से वो अपने आप में परिशुद्ध और परिपूर्ण है। पूरा का पूरा देशना अर्थ बताता है और उसका लाभ भी होता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद, दूसरा जो लाभ है वो तब मिलता है जब किसी व्यक्ति का चित्त मुक्त नहीं होता, मन मुक्त नहीं होता, और अगर उसे कोई तथागत का यानी भगवान बुद्ध का शिष्य मिल जाए और शिष्य दर्शन दे, यानी कि दर्शन दे, फिलॉसफी दे, और उसको व्याख्या दे, धम्म सिखाए उसको, तब ये दूसरा लाभ है अगर उचित समय पर मिल जाता है। क्योंकि तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो बीच में, शुरू में और अंत में पूरी तरह से लाभकारी है, और वो पूरी तरह से कंप्लीट है, अपने अर्थ में पूरी तरह से पका हुआ है। फिर कहते हैं ये दूसरा लाभ होता है। तीसरे लाभ के लिए वो कहते हैं कि जब किसी का चित्त मुक्त नहीं होता, जो व्यक्ति है, और उसे अपने पुराना कोई, उसने अगर धम्म सुना हो किसी बुद्ध से, किसी बुद्ध के सावक से, तो उसका चित्त मुक्त हो जाता है धम्म अगर उसने पहला सुना हो और वो उसको विचार मनन कर ले। यानी कोई व्यक्ति अगर अपने पुराने जन्म के सुने हुए धम्म को विचार से, मनन से, विपसना से बाहर निकाल ले और उसे वो याद आ जाए, उसकी वो प्रैक्टिस करे, तब भी ये
बहुत सुचि परिणाम होता है, बहुत शुभ परिणाम होता है, बहुत अच्छा परिणाम होता है और वो मुक्त हो जाता है। फिर कहते हैं आनंद ये तीसरा है, चौथे के लिए, चौथे लाभ के लिए, चौथे शुभ परिणाम के लिए अगर किसी का चित्त मुक्त होता है, यानी पहले तीन कारणों में चित्त मुक्त नहीं है और चौथे में वो कहते हैं कि अगर किसी का चित्त मुक्त भी है मगर निब्बान उसे नहीं मिल रहा है, यानी निब्बान की दृष्टि से नहीं है, अर्हत नहीं हुआ है मगर मन का वो शुद्ध है, तो अगर तथागत उसे देशना देते हैं, बुद्ध अगर उसे देशना देते हैं तो वो मुक्त हो जाता है। ये चौथा लाभ है, चौथा परिणाम है। पांचवें परिणाम में कहते हैं कि आनंद अगर कोई मुक्त है मगर वो निब्बान की दृष्टि से, सर्वोच्च निब्बान की दृष्टि से, अर्हत होने की दृष्टि से मुक्त नहीं है और उस समय उसे कोई तथागत का जो शिष्य है, सावक है, कोई उसे दर्शन लाभ दे दे, उसे फिलॉसफी सिखा दे, दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी, दर्शन, दर्शन लाभ दे दे, उसको अगर धम्म सिखा दे तो उसे परिणाम उसका शुभ होता है और ये पांचवा शुभ परिणाम है। फिर कहते हैं आनंद छठे शुभ परिणाम के लिए अगर कोई व्यक्ति मुक्त होता है और मगर सर्वोच्च निब्बान की दृष्टि से, यानी कि उसे निब्बान की दृष्टि से मुक्त नहीं है, अर्हत नहीं होने की दृष्टि से मुक्त नहीं है और वो अपना कोई पूर्व जन्म का, पुराने किसी वर्जन का धम्म अगर सुन ले, उसको निकाल ले, उसको डिकोड कर ले और उसको मनन करे, चिंतन करे और उसको प्रैक्टिस करे तो उसे निब्बान प्राप्त हो जाता है। ये छह शुभ परिणाम हैं। अगर हम इसको बहुत थोड़े में कहें तो वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुक्त नहीं है और उसे भगवान बुद्ध का या तो दर्शन मिल जाए, यानी व्याख्या मिल जाए भगवान बुद्ध से, या उनके शिष्य से धम्म दर्शन मिल जाए, या वो अपने पूर्व वर्जन में किसी ओल्ड वर्जन में कोई धम्म उसने सुना हो और उसको याद कर ले, निकाल ले, डिकोड कर ले तो वो मुक्त हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई मुक्त है मगर निब्बान प्राप्त की स्थिति में नहीं है और उसे भगवान बुद्ध का दर्शन मिल जाए, भगवान बुद्ध स्वयं आके उसे धम्म का उपदेश दें, धम्म दर्शन दें, या उनका कोई शिष्य धम्म का दर्शन दे, या कोई पुराने समय का उसका वर्जन, पुराने जन्म का वर्जन अगर वो डिकोड कर ले, खोल ले, उसको चिंतन मनन करे तो वो फिर निब्बान को प्राप्त कर लेता है। मुक्त है मगर निब्बान को प्राप्त करके सुखी हो जाता है। ये छह शुभ परिणाम उन्होंने बताए जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया वर्णन में है। किस तरह कोई व्यक्ति अगर मच्छु सैया पर, यानी मृत्यु की सैया पर, मृत्यु का इंतजार कर रहा है तो कैसे वो अंत में भी जीवन से मुक्त हो सकता है। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा है धम्म आरंभ में भी लाभदायक है, मध्य में भी लाभदायक है और अंत में भी लाभदायक है। यानी कोई व्यक्ति अगर उसे आरंभ से स्टार्ट करता है, जवानी से, बचपन से अगर सीखता है तब भी लाभदायक है, कोई बुढ़ापे में, कोई मध्यकालीन में सीखता है, बीच में सीखता है तब भी लाभदायक है, और कोई अंतिम समय में बुढ़ापे में सीखता है तब भी उतना ही लाभदायक है। धन्यवाद। Tatiyam pi dhammam sarnam gacchami।
शरणं गच्छामि। तृतीयोऽपि सङ्गं शरणं गच्छामि।